महराजिम धार्मिक नगरी की त्रिवेणी संगम तट में राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नदी का विधिवत पूजा अर्चना कर महानदी की आरती की। इस अवसर पर प्रदेश की नदियों की हो रही दुर्दशा को लेकर लोगों को नदी के प्रति स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के राजिम के नागरिकों ने महानदी सुरक्षा समिति का गठन किया। समिति का गठन नदी को सहेजने संकल्प लेकर अभिनव पहल की गई, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था बने रहने के साथ ही जीवनदायिनी नदी को उनके मूल स्वरूप मिलाने, लोगों को जागरूक करने, नित्य प्रतिदिन संध्या आरती करने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान विधायक अमितेश शुक्ल ने कहा है कि नदी की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए हर संभव पहल करने के साथ ही लोगों को जागरूक कर प्राचीन धरोहरों को सहेजने के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाया गया। शुरुआती ये महानदी की आरती जो करी गई है, इसका मूल उद्देश्य ये कि धीरे धीरे इसके महत्व को सभी लोग समझें और जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम लोग की सब लोगों की जो पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे जो राजिम के खास तौर पे हमारे आसपास के सब इलाके हैं, बहुत ज्यादा भावनात्मक जुड़े हुए हैं। 9 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य एक ही था कि लोगों में जन जागरण एवं लोगों में नदी के प्रति आस्था हो और उनको आश्वस्त करना चाहते थे कि नदी ही जीवनदायिनी है।